इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सा पैन के बॉटम की डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम छोटा सा कपड़ा लेंगे 2 इंच का, 2 इंच लेंथ वाइज एंड 2 इंच ब्रेथ वाइज। बॉक्स में आपको फैब्रिक लेना होगा, सिर्फ तिकोना मोड़ना होगा, उसके बाद दोबारा दोनों तरफ से मोड़ते हुए आपको सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से छोटा छोटा बीट्स हम तैयार करेंगे। या हमने 20 पीसेस बनाया है एक पैर के लिए, इस तरीके से छोटा छोटा बीट्स हम बना लेंगे। और हमें यहाँ अब पतली सी डोरी चाहिए, जिसके लिए हमने फैब्रिक कट किया, हाइट लिया है 1.5 इंच और लंबाई हमें पास उतना बड़ा फैब्रिक नहीं था, इसलिए हमें जोड़ लगाना पड़ा। उसके बाद हाफ में फोल्ड करने के बाद हमें किनारी पे स्टिचिंग दे देना होगा। उसके बाद आप सेफ्टी पिन की मदद से या नीडल की मदद से आप फ्लिप कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्लिप कर लिया है और कितनी पतली सी डोरी हमारी रेडी है। अब हम इन डोरियों में कट्स दे देंगे। तो यहाँ मैं 3-3 इंच की दूरी पर कट्स दूँगी। तो यहाँ मैंने 3-3 इंच की डोरियों पे कट लगा दिया है। ऑल ओवर डोरी पे हम लगा लेंगे। अब हम इसे पैन में किस तरीके से लगाएंगे वो हम मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको पैन के बॉटम के हिस्से को लेना होगा। बॉटम से मैं ऊपर 6 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हिस्से को कट कर लूँगी। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और बॉटम के जो बॉर्डर को मैंने कट किया है उसकी किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। उसके बाद जो छोटे छोटे पीसेस का बीट्स हम तैयार किया था ये हम लगा लेंगे, एक दूसरे के नज़दीक होते हुए लगाएंगे। और जो हमने डोरी प्रिपेयर किया था 3-3 इंच की वो हम ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने हर एक 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे इस तरीके से मोड़ते हुए आपको सिंपली इस पर सिलाई देना होगा। मैं अब आपको स्टिच करके बताती हूँ प्रॉपरली। तो सबसे पहले आपको नीचे बॉर्डर की किनारियों को मोड़ते हुए सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने दे दिया है नीचे किनारी मोड़ते हुए सिलाई। अब हम जो छोटा पीस तैयार किया था वो हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से नज़दीक नज़दीक ही आपको लगाना होगा ताकि शो बहुत अच्छा आएगा इसका। तो यह हमने पूरे नीचे बॉटम पे लगा लिया है बीट्स। अब हम ऊपर की ओर डोरी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने पॉइंट्स मार्क किया था 3-3 इंच पर, तो वहाँ हम लगाएंगे। तो डोरी को मोड़ना होगा और इस तरीके से इसके ऊपर रखना होगा, बॉर्डर को सीधा रखना होगा और डोरी को उसके ऊपर इस तरीके से सीधा रखते हुए आपको सिलाई देना होगा। तो आप देख रहे हैं हम हर एक पॉइंट पे 3 डोरी लगाएंगे। जैसे ये मेरा 3 इंच पे पॉइंट है तो यहाँ मैं 3 लगाऊंगी, फिर अगेन हम एक 3 लगाएंगे और तीनों का हम एक फ्लावर शेप देंगे। तो जो पहला और तीसरा डोरी है वो हम थोड़ा छोटा लगाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा फैब्रिक अंदर लेते हुए लगाएंगे, और जो सेंटर का डोरी है वो हम थोड़ा बड़ा फैब्रिक बाहर की ओर लेते हुए लगाएंगे। तो अब देखिए एक फ्लावर शेप क्रिएट हुआ है। मैंने इस तरीके का नीचे का बॉर्डर लगा लिया है। अब हम इसे पैन के साथ अटैच कर लेंगे। बॉर्डर को सीधा रखेंगे और पैन को उसके ऊपर उल्टा प्रेस करते हुए हम किनारियों पे आप स्टिचिंग दे देंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे का बॉर्डर मेरा कितना सुंदर लग रहा है गाइस, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा एंड इसे बनाना भी बहुत सिंपल था। अब हम ऊपर से इसके ऊपर एक और बार सिलाई दे देंगे ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग आ जाए इसके ऊपर। और इस तरीके से मेरा नीचे का जो बॉर्डर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और साइड भी सी लेंगे। मैंने यहाँ साइड सी लिया है और इस तरीके का सुंदर सा मेरा पैन का बॉर्डर कितना सुंदर लग रहा है गाइस। आप इस तरीके का बॉर्डर प्लाजो पैन पे भी क्रिएट कर सकते हैं, स्लीव पे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड आपको वीडियो अगर मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे आपको और किस तरीके की वीडियो देखनी है। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।